अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल। मैं लाहौर की इस वक्त सब्ज़ी मंडी मुल्तान चुंगी के जो करीब पड़ती है वहाँ पर मौजूद हूँ, और हम आपको बताएंगे कि लोकल मार्केट और सब्ज़ी मंडी में रेटों का क्या फ़र्क है और क्या वजह आजकल रेट क्यों इतने हाई हैं। और जैसा आप जानते हैं आजकल सैलाब की वजह से भी कुछ रेटों पर फ़र्क पड़े हुए हैं। हमारे साथ एक सब्ज़ी फरोश दुकान पर मौजूद हैं ये मोहम्मद रियाज, इनसे हम कुछ मालूम फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई जान, हमें बताइएगा कि ये लोकल मार्केट में और यहाँ सब्ज़ी मंडी में रेट का क्यों इतना डिफरेंस है, क्या वजह है? ये रेट का इसलिए डिफरेंट है, इसलिए फ़र्क है क्योंकि माल जो सैलाब की वजह से नहीं, ये प्याज वगैरह टमाटर वगैरह बलूचिस्तान से आ रहे थे पहले, ये वो रास्ते बंद है, उसकी वजह से ये माल मार्केटों में मंडियों में पहुँच नहीं रहा है, कम सप्लाई हो रही है, इसलिए रेट ज़्यादा है। ये क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर तो रेट ज़्यादा ही है, लेकिन जब हम लोकल मार्केट की बात करें गलियों में फेरी वाले, वो तो बहुत ही ज़्यादा रेट पर सेल कर रहे हैं, और क्या वजह है, उनकी क्या रीज़न है? आवाम तो जो है ना वो फिर पसंद करती है कि हम करीबी सब्ज़ी मंडी से हम सस्ती चीज़ ले आएँ। जी वो ये है कि भाई देखो जी, महंगाई का दौर है जी, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हुकूमत भेज रही है, पेट्रोल महंगा है, घी महंगा है, ऑयल महंगा है, महंगाई हद से ज़्यादा है, तजावीज़ कर गई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, ठीक है, इसलिए उन्होंने भी रोज़ी कमानी है, उनके बच्चों के भी अखराजात हैं, उनके मकान के किराए हैं, किराया देना है, सारा दिन उन्होंने मजदूरी करनी है, गर्मी में फिरना है उन्होंने, अगर उनको 1000, 2000, 1500 रुपया दिहाड़ी नहीं बचेगी तो उनका गुजारा कैसे होगा, इसलिए मंडियां भी तेज़ हैं तो उन्होंने भी रोज़ी कमानी है। इसलिए सैलाब की वजह से ज़्यादातर कौन सी खास सब्ज़ियों पर फ़र्क पड़ा है, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं ना, कौन सी ज़्यादा खास सब्ज़ियों पर फ़र्क पड़ा? ये सब्ज़ियों पे ज़्यादा असर पड़ा सिर्फ प्याज और टमाटर, दो चीज़ों पे ज़्यादा असर पड़ा, और बाकी लोकल सब्ज़ी जो पंजाब की है वो उसकी कीमत सही है बिल्कुल, जो बलूचिस्तान से चीज़ें आ रही हैं वो महंगी हैं। लेकिन यह कि सैलाब की वजह से बाज़ जो पंजाब की पैदावार है उस पर भी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि लोगों को मौका मिल जाता है महंगाई करने का, क्या इससे भी कोई आपके मार्केट पर असर पड़ा? वो मौका मिल नहीं जाता, वो इसलिए महंगाई हो रही है थोड़ी सी ज़्यादा, कि इधर से सब्ज़ियाँ उन इलाकों में सप्लाई हो रही हैं, अब उधर तो कोई चीज़ रही नहीं है, बाकी के सैलाब की वजह से सारा कुछ ख़त्म हो गया है। क्या आप बता सकते हैं इस वक्त प्याज का क्या रेट जा रहा है? प्याज का जो रेट है, जो बारिश का भीजा हुआ है ना, पानी का भीजा हुआ, वो 600 रुपये दड़ी है, जो खुशक प्याज है, जो अच्छा प्याज है, क्वालिटी जिसकी सही है, वो तकरीबन 750-750 रुपये दड़ी जा रहा है। यानी प्याज और टमाटर, और इस वक्त जो मैं आपके पास देख रहा हूँ सब्ज़ियाँ, इसमें कौन कौन सी सब्ज़ी पे कितना फ़र्क पड़ा है, और इसमें कौन कौन से रेट ज़्यादा है इसमें आपके पास सब्ज़ी के? इसमें करेले में फ़र्क पड़ गया है अब ज़्यादा, करेला क्योंकि इसकी फसल ख़त्म हो रही है बिल्कुल, ये एंड मौसम है इसका भी है, ठीक है, और बाकी ये जो चीज़ें जो पंजाब की हैं उनकी कीमत सही है बिल्कुल, क्योंकि एक तो सैलाब की वजह से महंगाई है और एक मौसमी सब्ज़ी की वजह से भी महंगाई हो जाती है, अगर मौसम ख़त्म हो रहा है तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ जाता है। ये अब सब्ज़ियाँ तकरीबन एक दो माह में 11वें महीने में यकीन नवंबर में ये सर्दियों की सब्ज़ियाँ शुरू हो जाएंगी पंजाब की, वो सब्ज़ियाँ सस्ती होंगी, जो ये गर्मियों की सब्ज़ियाँ इनका एंड हो रहा है, इनका बस ये ख़त्म हो रही हैं, ये दुनिया ये ज़मींदार जो हैं वो खेतों में जो सब्ज़ियाँ ना पुरानी वो तलफ करके नई सब्ज़ियाँ लगा रहे हैं, इसलिए इनकी भी मकदार कम होती जा रही है अब, क्योंकि सब्ज़ियों के रेट तो रही एक अलग बात, लेकिन जो हम देखते हैं मसाला जात वो हर सब्ज़ी में डलते हैं, टमाटर हो गए, मिर्चें हो गई, प्याज हो गया, इन चीज़ों के भी रेट हाई होते हैं, क्योंकि ये तो हर चीज़ सब्ज़ी में पड़ते हैं, तो मिर्च धनिया और टमाटर इनके क्या रेट जा रहे हैं? ये मिर्च जो है तकरीबन ये 3-4 दिन पहले तो 200 रुपये किलो थी, और ये 2 दिन से कम आ रही है मार्केट में, बहुत कम सप्लाई हो रही है, ये तकरीबन 300 रुपये किलो 350 रुपये किलो तक जा रही है अब, ठीक हो गया। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ आपके सामने ये करेला और बैंगन और कद्दू, इनके क्या रेट हैं? ये करेले हैं 200 रुपये किलो हैं, 1000 रुपये के दड़ी हैं, जो बड़े करेले हैं मोटे हैं वो 150 रुपये किलो हैं। जी ठीक जी, नाज़रीन को मैं पहले बताता जाऊँ कि एक दरी में 5 किलो होते हैं, बाद लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि जी नाज़रीन हम आपको एक ये भी बताते चलें कि मार्केट में ये एक वाइट बैंगन है, तो ये आप देख सकते हैं बाज़ लोग शायद इससे पहले ही वाकिफ़ हों, इसके बारे में जानेंगे ये कहाँ की पैदावार है, इसका टेस्ट क्या है, और ये किस रेट पर मिल रहा है, ये दूसरे बैंगन से इससे क्यों मुख्तलिफ है ये? जी भाई आप बता सकते हैं ये जो वाइट बैंगन है इसका क्या टेस्ट है और इसका क्या रेट है? इसका टेस्ट इससे काले बैंगन से बेहतर है कुछ, और ये बहुत पुरानी वैसे सब्ज़ी है, वैसे ये लोग कास्ट बहुत कम करते हैं, ये हमारा एक दोस्त है शेराकोट में रहता है, ये उसने दरिया के पास किनारे उसकी ज़मीन है उसमें उसने थोड़े से लगाए हुए हैं, वो दोस्ती की वजह से ही हमें ये थोड़े बहुत भेज देता है वो। इसकी क्या मार्केट में डिमांड है, जब कस्टमर ये लेके जाता है इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट काफ़ी बेहतर है, डिमांड इसलिए भी कुछ ज़्यादा है कि ये कम है, बहुत कम है, कि मेरे ख्याल में एक एक क्रेट ये एक आधा 8 दिन में आता है ये बस, ज़्यादा ज़्यादा हाँ। इसमें अगर डिमांड कम है तो इसका रेट भी जाहिर बात मुनासिब होगा, क्योंकि उस चीज़ का रेट ज़्यादा होता है जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ये क्या है किस रेट पर जा रहा है इस वक्त?
ये जा रहा है 150 रुपये किलो जा रहा है। कुछ ज़्यादा लोग ये बच्चों को दिखाने के लिए ले जाते हैं कि भाई यार बच्चों ने ये हमने पहली दफ़ा देखे हैं, तो शौकिया तौर पे हम वैसे भी एक दो पीस वैसे भी दे देते हैं, अगर ज़्यादातर ना दोस्त मांगते हैं हम दे देते हैं कि चलो बच्चे दिखा। और जो दूसरा बैंगन है उसका क्या रेट जा रहा है, जो नाजरीन जो हर बंदा वाकिफ है दूसरे बैंगन से? 80-90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक जा रहा है। जो अच्छी क्वालिटी है बिल्कुल जिसमें कीड़ा नहीं है वो 100 रुपये है, बाकी 80 भी है 70 भी है। इसका मतलब इसकी डिमांड कम है लेकिन रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा होने की वजह यह है कि इसकी पैदावार कम है, क्योंकि अगर इसकी पैदावार ज़्यादा होती तो जाहिर बात डिमांड कम है तो फिर इसकी ये सस्ता होता, लिहाजा पैदावार कम होने की वजह से। इस वक्त किस इलाकों में इसकी पैदावार ज़्यादा हो रही है? ये इसकी पैदावार तकरीबन हमने तो देखी नहीं है, मुझे 30-35 साल हो गए इस मंडी में। सिर्फ यही एक बंदा हमारा जो है ना दोस्त था यही लगाता, थोड़े से मेरे ख्याल लेकर 50 पौधे या 60-70 पौधे लगाता ज़्यादा से ज़्यादा। बस आप इस बैंगन को कब से जानते हैं, अगर आप इस मार्केट में आए तो कितनी देर हो गई है आप इस बैंगन को यहाँ मुतारिफ करवाएं? ये मैं तो तकरीबन हर साल ये बेचता हूँ, ये तक इन्हीं दिनों में मौसम के बरसात के मौसम में ना ये 2 माह आता रहता है। ये आपको कितना टाइम होगा यहाँ पे अपना सब्जी फरोश करते हुए? मुझे तकरीबन 32-33 साल हो गए हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम होता है, अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए फैसल उस्मान ऑफिशियल। खुदा हाफिज़।